नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने आप लोगों से डिस्कशन किया था नोटा के बारे में, जाना था कि नोटा आखिर वैलेट मशीन के अंदर क्यों इम्पोर्टेंस रखता है। तो इसकी डिटेल में डिस्कशन किया था हमारे इलियास सर ने, और आज की जो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि हम इस क्लास में जानेंगे टाइप्स ऑफ वोटर, जो लोग मतदाता है, जो मतदान करने के लिए जाते हैं, उन लोगों का माइंडसेट क्या होता है, वो कितने प्रकार के लोग होते हैं जो वोटर्स वोट देने जाते हैं, और क्या उनका माइंडसेट होता है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो डिटेल में डिस्कशन है वो हमारे आज के रिस्पेक्टेड इलियास सर ही आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ वोटर कितने होते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आइए जानते हैं इलियास सर के द्वारा टाइप्स ऑफ वोटर के बारे में। लोकतंत्र का महापर्व होता है इलेक्शन। इलेक्शन के दौरान चुनावी पार्टियां तरह तरह के हथकंडों का प्रयोग करती हैं। मेरे पास एक छोटी सी रिपोर्ट आई थी जिसमें मेरी विधानसभा क्षेत्र में कितने हिंदू वोटर हैं, हिंदू में कितने मौर्य हैं, कितने जो है मुस्लिम हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने क्षत्रिय हैं, कितने दलित हैं, तरह तरह के तकरीबन 20-25 प्रकार के वोटर्स का जो है उसमें डिटेल्स दी हुई थी। मुझे देखकर थोड़ा सा जो है आश्चर्य हुआ और हंसी भी आई। अगर लोकतंत्र के महापर्व में देखा जाए तो सही तो ये है, वोटर सिर्फ एक प्रकार का होता है और वो वोटर ये होता है जिसे हम मतदाता कहते हैं। लेकिन हमारे देश में आज शिक्षा का अभाव है और जनता के द्वारा पहले से अपने दिमाग को सेट कर लेना, पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स बन जाना, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदेह होता है, जो भविष्य देश का खराब कर रहा है। अगर इस क्रम में देखा जाए तो हम वोटर्स को तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला वोटर ही एक्चुअल में वोटर है, इसी को सही मायने में हम मतदाता कहेंगे, जिसको हम वोटर कह सकते हैं, ये वोटर है। लेकिन फिर दो प्रकार के और होते हैं, जिसमें एक प्रवृत्ति है जिसको हम कहेंगे इन्फ्लुएंस वोटर, और एक प्रवृत्ति है जिसको हम कहेंगे प्री माइंड वोटर। ये प्री माइंड वोटर और इन्फ्लुएंस वोटर आखिरकार है क्या? इन्फ्लुएंस वोटर का तात्पर्य यह है कि ये पहले से तय नहीं करते, ये ना ही चुनाव में मैदान में सभी उम्मीदवारों को एनालिसिस करते हैं, सभी उम्मीदवारों को देखते हैं, ये बस एक चीज पर चलते हैं कि हाँ भैया बुधई महाराज जो है वोट दीन ना है फला किया, तो भैया हम वोट दे दीवा। ये चीज जब आ जाती है तो ऐसे वोटर्स जो है इन्फ्लुएंस वोटर होते हैं, जो जनता को देख रहे होते हैं उनके अरीब करीब क्या कितना लोग क्या कर रहे हैं, और पता चला कि नहीं वोट ना खराब करीबा, हम तो इनका चार लोग दे चुके हैं तो पांचा हम ही दे दी। ये चीजें जहां पर आ जाएंगी तो ये कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ा नुकसानदेह हो जाएंगी। लेकिन एक वोटर और है, प्रीमाइंड वोटर। प्रीमाइंड वोटर का तात्पर्य ऐसा होता है जिसने पॉलिटिकल पार्टीज की शपथ पत्र ले रखा होता है, प्रतिज्ञाएं ले रखी होती हैं। अब उसके सामने चाहे वो आदमी अच्छा हो या बुरा हो, अगर पॉलिटिकल पार्टीज ने खड़ा कर दिया तो भैया हम तो वोट देंगे ही देंगे। तो अगर देखा जाए लोकतंत्र के लिए दोनों ही प्रकार के वोटर कहीं ना कहीं नुकसानदेह हैं। अगर आपको लोकतंत्र के महापर्व में स्वच्छता के साथ सम्मिलित होना है तो आप मतदाता बनिए, ना ही इन्फ्लुएंस वोटर बनिए और ना ही प्री माइंडेड वोटर बनिए। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों अभी हमने जाना कि टाइप्स ऑफ वोटर कौन कौन से होते हैं और उनकी जो सोचने और समझने की क्षमता होती है वो क्या होती है किसी व्यक्ति को चुनने से पहले। तो ये आप लोगों ने डिटेल में समझा हमारे इलियास के द्वारा। अगर आपको मेरा ये अपडेट अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों